कुछ दिनों पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी के प्रयास में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें दुबे मुख्य आरोपी था। विकास दुबे के साथ ही मुठभेड़ में मारे गए, जबकि विकास दुबे की मौत एक पुलिस के कार हादसे में हो गई। वैसे तो बुलडोजर कल्चर की शुरुआत 2017 में यूपी से शुरू हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के बीच में इसका असर दिखना शुरू हुआ। वहीं कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन आरोपियों का घर गिराने के लिए बुलडोजर गया, उनको कोई घर ही नहीं मिला। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। 2017 से एक औद्योगिक मशीन भारतीय राजनीति में एक राजनीतिक उपकरण और प्रतीक बन गई है, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो मशीन कोई और नहीं बल्कि बुलडोजर है। इसकी शुरुआत भाजपा के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अतिक्रमण हटाने के साथ हुई, जबकि बुलडोजर का इस्तेमाल पूरे भारत में अवैध निर्माणों को हटाने के लिए किया जाता है। इस मामले में बुलडोजर का इस्तेमाल एक कथित अपराधियों, सांप्रदायिक हिंसा के दंगाइयों, आरोपी अपराधियों के खिलाफ एक कानूनी धारा के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक संदेश में इसके उपयोग के बाद मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख दिखाने के उद्देश्य से राजनीतिक संदेश देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोजर का प्रयोग खुद में सांप्रदायिक है और कहीं ना कहीं ये कानूनों के खिलाफ भी है। कुछ बुद्धिजीवियों का तर्क है कि कानून के शासन को छोड़ना और बुलडोजर न्याय को अपनाना एक सत्तावादी समाज की ओर पहला कदम है। अब ऐसे में समाज में व्यक्तियों की सुरक्षा, जीवन और स्वतंत्रता राज्य के अधिकारों के मनमाने फैसलों को बढ़ावा देगी। वैसे तो बुलडोजर कल्चर की शुरुआत 2017 में यूपी से शुरू हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल के बीच में इसका असर दिखना शुरू हुआ। मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। उनकी पहली घोषणा ये थी कि उनकी सरकार अन्य संबंधित मुद्दों के अलावा राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को साफ करेगी। एक एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया और राजनीतिक संदेश में यूपी छोड़ दो या जेल जाओ जैसे बयान शामिल थे। ये सितंबर 2017 की बात है, जब योगी ने पहली बार चेतावनी दी थी कि वो अपराध में शामिल लोगों की संपत्तियों को जमींदोज कर देंगे। मेरी सरकार महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध को जारी रखने की सोचने वाले किसी भी व्यक्ति के घरों को जमींदोज कर देगी। ये कहते हुए कि अन्य आपराधिक तत्वों पर लगाम लगाने में कुछ और समय लगेगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, जिनमें से कई पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए। 2020 के आते आते विकास दुबे जैसे कई अपराधियों के साथ साथ राजनेता बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की संपत्तियों को बुलडोजर का इस्तेमाल करके ध्वस्त कर दिया गया। दुबे के खिलाफ कार्रवाई तब शुरू हुई जब उसने और उसके साथियों ने जुलाई 2020 में गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। 2020 के अंत तक संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया था। जुलाई 2020 में हिस्ट्री स्ट्रीटर और क्राइम बॉस विकास दुबे के घर को 4 वाहनों के साथ ध्वस्त कर दिया गया। कुछ दिनों पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी के प्रयास में 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसमें दुबे मुख्य आरोपी था। विकास दुबे के साथ ही मुठभेड़ में मारे गए, जबकि विकास दुबे की मौत एक पुलिस के कार हादसे में हो गई। अगस्त 2020 आते आते अपराधी से राजनेता बने मुख्तार अंसारी से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संपत्ति का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया था। मुख्तार अंसारी की संपत्ति के साथ साथ उसके बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति को भी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन से ध्वस्तीकरण के समय पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती और साथ ही 20 से ज्यादा बुलडोजर लगाए गए। सरकार यहां भी नहीं रुकी। साल 2020 के सितंबर तक जाते जाते अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। इसमें मोहम्मद जैद का 2017 में 600 वर्ग गज में बना 2 मंजिला घर भी शामिल है। जब स्थानीय मीडिया ने इमारत को ध्वस्त करने का कारण आला अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि निर्माण से पहले इमारत के ब्लूप्रिंट को मंजूरी नहीं दी गई। यही कदम कई अवैध निर्माणों और गैंगस्टरों से ऊपर भी चलाया गया। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2021 के अंत तक आते आते कार्रवाई की संख्या में कई गुना तक बढ़ोतरी हुई। साल 2021 के फरवरी महीने में सीएम योगी ने कहा कि 67,000 एकड़ जमीन भू माफियाओं के नियंत्रण से मुक्त करा दी गई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन अवैध संपत्तियों को जब्त कर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनकी जगह दलितों और गरीबों के लिए नए मकान, खेल के मैदान, अन्य सामाजिक जरूरतें पूरी की जाएंगी और माफियाओं को गरीबों, किसानों और व्यापारियों को परेशान करने की चेतावनी दी। यूपी सरकार ने 67,000 एकड़
सरकारी जमीन भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा की गई अन्य जमीन को मुक्त कराने का दावा किया गया, लेकिन ये बात कितनी सही है अब इसे भगवान ही जाने। बुलडोजर के इस्तेमाल के संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता की राय मिली जुली रही। योगी सरकार ने बुलडोजर के दुरुपयोग को लेकर भी चेतावनी दी। कई बार तो ऐसी भी खबरें आने लगी कि कई जगह पर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया गया। बात बुलडोजर की तो हंगामा भी होना था, लेकिन कुछ वक्त बाद ये मामला शांत हो गया। जब योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, तो उसके बाद 2022 के अंत तक यूपी के अलावा दिल्ली और गुजरात में दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद राजनीतिक और कानूनी मुद्दे सामने आए, जिसमें राजस्थान में भाजपा के शासन वाली नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी अभियान भी शामिल था। उस वक्त तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और बुलडोजर कार्रवाई पर जमकर बवाल हुआ। उसी साल उत्तराखंड में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दंगाइयों को आरोपियों की संपत्ति के आसपास बुलडोजर खड़े करके धमकाया गया, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। एक जनसभा के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारे पास एक खास मशीन है जिसका इस्तेमाल हम एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने के लिए कर रहे हैं, साथ ही हम इसका इस्तेमाल माफियाओं को कुचलने के लिए भी कर रहे हैं जो लोगों का शोषण करके अपनी संपत्तियां बनाते हैं। वहीं समय समय पर बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठते रहे। विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार बुलडोजर के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर ले रही है। वहीं कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जिन आरोपियों का घर गिराने के लिए बुलडोजर गया उनको कोई घर ही नहीं मिला। बीते साल 2022 में एक खबर सुल्तानपुर से आई, जहां पर जज साहब के ही मकान को ढहाने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर जा पहुंचा। जब मामला सुर्खियों में आया तब सरकार हरकत में आई और अपनी गलती मानी। अगर कुछ राजनीतिक टिप्पणियां उल्लेख किया जाए तो किसान नेता और बीकेओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए थे कि अगर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल नहीं रुका तो किसान उन्हें रोकने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यूपी में बुलडोजर का उपयोग अवैध वसूली के लिए है। अब ऐसे में अगर कोई सवाल उठाता है तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है। एक बुलडोजर से मकान गिराने की घटना का जिक्र करते हुए राजनीतिक टिप्पणीकार एनएस मूर्ति कहते हैं कि जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झोपड़ियों के चार दिन बाद विध्वंस का समय बेहद संदिग्ध है। अगर आपको हर मामले को बुलडोजर से ही हल करना है तो देश की सारी अदालतों को बैन कर देना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बुलडोजर कार्रवाई कहां तक सही है, क्या इस कार्रवाई से लोगों को न्याय मिलेगा? अगर बुलडोजर कार्रवाई से न्याय मिलता है तो हाथरस बेटी को न्याय मिलता, पहलवानों को न्याय मिलता और देश में हर भाजपा शासित राज्य में पीड़ित को न्याय मिलता। लेकिन कई जगहों पर ये भी सच्चाई है कि बुलडोजर की वजह से कई माफियाओं में हड़कंप मचा है, उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है। एट नाइन में आज के लिए कितना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।